गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट है। मेरे प्यारे साथियों, आज 13 जनवरी 2019 की हम बात करते हैं। 13 जनवरी 2019 को मैं आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, बैंक, जीआरई, नेट, रेलवे एग्जाम्स के लिए जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूँ। साथियों, यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के इच्छुक हैं तो उसके लिए अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कंपटीशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। एन एग्रीमेंट फॉर रेणुकाजी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वाज साइंड इन न्यू दिल्ली अमोंग द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एंड राजस्थान एंड उत्तराखंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेंशन मिनिस्टर नितिन गडकरी। ऑल द 6 चीफ मिनिस्टर्स वर प्रेजेंट ऑन द ओकेजन। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड राज्यों के बीच नई दिल्ली में रेणुकाजी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर सभी 6 मुख्यमंत्री उपस्थित थे। नेक्स्ट, इसरो चेयरमैन डॉक्टर के सिवान हैज अनाउंस्ड दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज वेल प्रिपेयर्ड टू मीट द टारगेट्स ऑफ लॉन्चिंग गगनयान मेंड मिशन टू आउटर स्पेस बाय दिसंबर 2021। अंडर गगनयान प्रोजेक्ट इंडिया इज प्लानिंग टू सेंड 3 एस्ट्रोनॉट्स टू आउटर स्पेस फॉर 7 डेज एंड ब्रिंग दैम बैक। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने घोषणा की है कि संगठन दिसंबर 2021 तक गगनयान मानव मिशन को बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तैयार है। गगनयान परियोजना के तहत भारतीय 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 7 दिनों के भीतर लिए बाहरी अंतरिक्ष में भेजने और उन्हें वापस लाने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड सिविल एविएशन सुरेश प्रभु चेयर द 4th मीटिंग ऑफ द काउंसिल फॉर ट्रेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन CTDP इन न्यू दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली में व्यापार विकास और संवर्धन परिषद CTDP की चौथी बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचार। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज एम्बार्क ऑन ए 2-डे विजिट टू उज्बेकिस्तान। मिसेज स्वराज विल बी इन समरकंड फॉर द 1st इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग विच सी विल को चेयर विद उज्बेकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल अजीज कमी लॉ। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उज्बेकिस्तान की 2-दिवसीय यात्रा शुरू की है। श्रीमती स्वराज 1st इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग के लिए समरकंद में होंगी, जिसमें वह उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री अब्दुल अजीज कामी लो के साथ से अध्यक्ष होंगी। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशन, नियुक्ति और इस्तीफे। यस बैंक इंडियाज 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रह्मदत्त एज नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन अप टिल July 4, 2020। यस बैंक भारत का चौथा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है, जिसने 4 जुलाई 2020 तक ब्रह्मदत्त को गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, अशोक चावला रिजाइंड एज चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड NSE विद इमीडिएट इफेक्ट
इन लाइट ऑफ रिसेंट लीगल डेवलपमेंट्स, अशोक चावला ने हाल के कानूनी घटनाक्रमों के आलोक में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड NSE के अध्यक्ष के रूप में तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट, ताइवान प्रेसिडेंट ऊ इंग वैन हैज अपॉइंटेड सू त्वेसेंग चांग एज प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग ए कैबिनेट रेस्पल फॉलोइंग द रूलिंग डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीज हैवी लॉसेस इन लोकल इलेक्शन। स्थानीय चुनाव में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के भारी नुकसान के बाद कैबिनेट फेरबदल के दौरान ताइवान के राष्ट्रपति तसाई इंग वैन ने प्रधानमंत्री के रूप में सू त्सेंग चांग को नियुक्त किया है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक न्यूज वाणिज्य समाचार। द 32 मीटिंग ऑफ GST काउंसिल वाज कंक्लूडेड इन न्यू दिल्ली। द लिमिट ऑफ एनुअल टर्नओवर फॉर कंपोजिशन स्कीम इंक्रीज टू 1.5 करोड़ रुपीज इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1, 2019। नई दिल्ली में GST परिषद की 32वीं बैठक संपन्न हुई। कंपोजिशन स्कीम के लिए वार्षिक टर्नओवर की सीमा 1 अप्रैल 2019 से 1.5 करोड़ रुपए तक बढ़ गई है और इसके साथ ही 20 लाख तक की सीमा 40 लाख तक बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट, रैंक एंड रिपोर्ट्स, रैंकिंग रिपोर्ट। द 11th एडिशन ऑफ EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2018 वाज रिलीज्ड बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट कंपाइलिंग द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसीज इन 167 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इन द लिस्ट नॉर्वे टॉप्ड एंड इंडिया हैज स्लिप्ड टू 42nd प्लेस ऑन द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट एनुअल ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2018 के 11वें संस्करण को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी किया गया था, जिसमें दुनिया के 167 देशों में लोकतंत्रों की स्थिति का संकलन किया गया था। सूची में नॉर्वे सबसे ऊपर है और भारत इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के वार्षिक ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स पर 42वें स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट, अवार्ड्स पुरस्कार। इंडस्ट्रियलिस्ट एंड गोदरेज ग्रुप चेयरमैन आदि गोदरेज वाज कन्फर्म्ड द ICSI's लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर ट्रांसलेटिंग एक्सीलेंस इन कॉरपोरेट गवर्नेंस इंटू रियलिटी। उद्योगपति और गोदरेज समूह के अध्यक्ष आदि गोदरेज को ट्रांसलेटिंग एक्सीलेंस इन कॉरपोरेट गवर्नेंस इंटू रियलिटी के लिए ICSI's लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, खेल समाचार। LB मॉर्कल, द साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। मॉर्कल, हु प्लेड फॉर क्लोज टू 20 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल क्रिकेट, मेड हिज फर्स्ट क्लास डिबेट फॉर स्टर्न्स अगेंस्ट नॉर्थर्न्स इन द 19 and 2000 डोमेस्टिक सीजन्स। दक्षिण अफ्रीका के हरफनमौला खिलाड़ी LB मॉर्कल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। मॉर्कल, जिन्होंने करीब 20 साल तक पेशेवर क्रिकेट खेला, उन्होंने 1999 2000 के घरेलू सत्र में नॉर्दर्न के खिलाफ पूर्वी के लिए प्रथम श्रेणी में डेब्यू किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार, जो कि आपकी करंट अफेयर्स है और सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट करें और UV कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।